Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. Requesting everyone to please step down from the stage, please. It's a safety measure. So with the bada mauka hai pure Hindustan ke liye, puri chefs and F&B and sari duniya ke liye, is puri fraternity ke liye. Can we have a big round of applause, please? Then next on the stage, we'll have the president of North India Akshay Patra Foundation, Suvyakta Narasimha Das ji. Please, sir, can we have you here? Sir, welcome. Please. I would also request खिचड़ी खाएगा उसको कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन ए, बी, सी, डी, बी 12 आदि की अलग से गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी. तो ये स्वास्थ्य का एक नया मंत्र है पूरी दुनिया के लिए, भारत की खिचड़ी. और वो वर्ल्ड फूड इंडिया में पूरी दुनिया को भारत की ओर से उपहार दिया जा रहा है, और वो भी गुरु पर्व के दिन दिया जा रहा है. इसके लिए हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की का आदरणीय बहन बादल का, हमारी बहन निरंजन ज्योति जी का, और देश के प्रधानमंत्री का इस रूप में आभार व्यक्त करते हैं कि जिस देश के अंदर स्वास्थ्य और समृद्धि का एक बहुत बड़ा आधार ये रेसिपी थी हमारी खिचड़ी, उसको आज विश्व पटल पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. उसके लिए हम बादल बहन का और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज खिचड़ी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां से कायम हो रहा है. ये बहुत बड़ी बात है, और हमारे इंडिया के सबसे फेमस आहार को एक नया आधार देने वाले, नया बाजार देने वाले हमारे संजीव कपूर साहब, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है. और सारी हमारी कंपनियां, देखो भाई यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, चाहे आईटीसी हो जा रहे हैं, क्या कहेंगे, ये मोबाइल खिचड़ी कंप्लीट न्यूट्रिशन वाला सबसे हेल्दी रिच फूड है, और इसको विश्व स्तर पर आज मान्यता मिल रही है. एक विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है खिचड़ी बनाने का, पकाने का और खाने का. और जो खिचड़ी खाएगा उसको कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी. आज विटामिन ए, बी, सी, डी, बी 12, कैल्शियम, आयरन की, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, और दूसरी तरफ बीमारियां. तो हंगर एंड मेल्यूट्रिशन, इससे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, और हिंदुस्तान में भी अब करोड़ों लोग विटामिन्स खाने लगे हैं, कैल्शियम, आयरन आदि को गोलियां खाने लगे हैं. तो
इन बीमारियों से बचने का, कुपोषण से बचने का ये खिचड़ी एक उपाय है और इससे पूरी दुनिया में भारतीय खिचड़ी को, भारतीय खिचड़ी के स्वाद को और उससे एक सेहत के नए अंदाज को आज एक नया आयाम है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे लगता है इस खिचड़ी के वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से भारतीय फूड को, भारतीय इस खिचड़ी की रेसिपी को विश्व स्तर पर इस वर्ल्ड फूड इंडिया में जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है उससे एक नया आधार मिलेगा। आज गुरुपूर्व भी है सर, और आज वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का और गुरु पर्व का भी आज दिन है, तो इससे बढ़िया और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो आज खिचड़ी पकेगी और उसमें पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए अलग अलग अनाज, जिसमें सारे अनाजों का समावेश है, और उसमें जब खिचड़ी के कहते हैं ना तीन यार, घी, पापड़ और अचार, तो इसमें मैंने पतंजलि गाय का देसी घी भी छोंक में डाल दिया। बाबा बाबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिचड़ी की पहचान होगी और ये बर्गर पिज्जा फास्ट फूड का एक हेल्दी विकल्प। बाबा 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 ये एक फूड सिक्योरिटी बिल बना है और एक बच्ची का राशन कार्ड नहीं बना था आधार कार्ड नहीं होने के कारण, उस पर आपका टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा भूख और कुपोषण, हंगर और मैलन्यूट्रिशन, ये भारत के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है और हमें इस भारत को भूख और कुपोषण से बाहर निकालने के लिए, चाहे वो खाने का अधिकार है, चाहे वो जीने का अधिकार है, उसके ऊपर हमें बहुत बड़े काम करने की आवश्यकता है और खिचड़ी इस दिशा में एक अच्छा प्रयास। वर्ल्ड फूड इंडिया को लेकर क्या कहेंगे, इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से। हमारी बहन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, बादल जी भी आ रही है, हमारे उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद सबसे अधिक काम करना शुरू किया है। हमारे देश में 50,000 करोड़ से लेकर के 1,00,000 करोड़ रुपए की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाते हैं। पतंजलि का ये प्रयास है कि इस दिशा में हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो एक तरफ लोग सेहतमंद रहेंगे, दूसरी तरफ किसानों को समृद्धि मिलेगी। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हम इसी में इन्वेस्ट करने वाले पहले पूर्ण स्वदेशी कंपनी है और हमारा ये प्रयास है कि हम इस हिंदुस्तान की समृद्धि को एक नए शिखर पर लेकर के जाएं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और उन किसानों के लिए हम जिंदगी में कुछ कर पाएं, इसके लिए पतंजलि का प्रयास, और हम इसे हिंदुस्तान को बाजार नहीं मानते, अपना परिवार मानते हैं और इसी भाव से पतंजलि काम कर रहा है कि हम चाहे बिना प्रॉफिट के या 1-2%, 4% का भी अलग अलग फील्ड में प्रॉफिट है, इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले इसमें आते नहीं है, थोड़े बहुत एमएनसी हैं, लेकिन भारत में सबसे पहला फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी यदि किसी ने चालू किया तो पतंजलि। लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, लगता है इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म होगा इसमें किसानों को, इस तरह के प्लेटफॉर्म से निश्चित रूप से भारतीय कृषि, कृषकों को और कृषि उत्पादों को एक नया गौरव मिलता है और इस गौरव को दिलाने के लिए आदरणीय मैं निरंजन ज्योति, बादल बहन, आदरणीय मोदी जी और पूरी सरकार को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि पहली बार फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में इस तरह का ये विश्व स्तर का कार्यक्रम इतने बड़े रूप में हुआ। बाबा जी धन्यवाद।